गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन एंड देन इनर्शिया एंड मास. क्लियर? वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट इज इनर्शिया एंड व्हाट इज मास. क्लियर? नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अवर क्लास विथ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. क्लियर? चलिए तो समझने का कोशिश करते हैं कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है. ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्स किसको बोलेंगे? मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है. ठीक है, इस बॉडी को अपन लेफ्ट साइड से 5 न्यूटन और राइट साइड से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं. ऐसा कुछ मतलब ये एक बॉडी है, उस पर इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और इस डायरेक्शन में भी अपन 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं. तो इस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो, क्योंकि 5 न्यूटन इधर से लग रहा है और 5 न्यूटन इधर से. तो ये अभी भी रेस्ट में ही रहेगा. ठीक है, रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा क्योंकि इस बॉडी पे अभी नेट फोर्स कितना लग रहा है? जीरो लग रहा है. तो ऐसा जब नेट फोर्स जीरो हो जाता है बॉडी पे लगने वाला, तो उस फोर्स को अपन बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स. क्लियर? अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? मान लो मैं इस साइड से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, और इस साइड से मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं इस बॉडी पे. तो इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना लगेगा? 5 न्यूटन का. कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स है वो 10 न्यूटन है और इधर जो लगने वाला फोर्स है वो 5 न्यूटन है. तो किधर ज्यादा फोर्स लग रहा है? ये वाले डायरेक्शन में. ये वाले डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है. तो कितने का डिफरेंस है दोनों में? तो 10-5 का डिफरेंस है. तो नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है? 5 न्यूटन का. कौन से डायरेक्शन में? राइट टू लेफ्ट. तो ये जो है फोर्स है उसको अपन बोलते हैं क्या? अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब नेट फोर्स का कुछ वैल्यू होना. ठीक है, और जब नेट फोर्स का वैल्यू जीरो होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? बैलेंस्ड फोर्स. क्लियर है? तो जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे, तब उसका जो स्टेट है वो चेंज होता है. अब स्टेट चेंज होने का मतलब रेस्ट वाला मोशन में, मोशन वाला रेस्ट में. देखिए अभी रेस्ट में था, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाए तो मोशन में आ गया. ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स लगाने से उसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा. चलिए अब न्यूटन जी को याद करते हैं. 3 लॉस है न्यूटन के, ठीक है, मोशन के. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो उसमें से अपन सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो यहां से देख सकते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल सम अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट. ठीक है, मतलब कोई भी जो बॉडी है वो अपना इनिशियल स्टेट में ही रहेगा. ठीक है, अब वो इनिशियल स्टेट रेस्ट का भी हो सकता है और मोशन का भी हो सकता है. ठीक है, कब तक रहेगा ऐसा? Until some unbalanced external force acts upon it. ठीक है, जब तक कि उस पर कोई external unbalanced force. मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, balanced force लगाने से उसमें कोई भी changes नहीं होता, unbalanced force apply करने से उसमें changes होंगे. ठीक है, मतलब कोई भी body rest में है वो rest में ही रहेगी, motion में है तो motion में ही रहेगी. कब तक? जब तक कि उस पर कोई external force apply ना किया जाए, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, चलिए अब इसको अपन समझते हैं. इसको हमने कल इनर्शिया में भी देखा था. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अपन इनर्शिया लॉ भी बोलते हैं, याद रखना इसको. ठीक है, आप चाहे तो कॉपी में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ब्रैकेट में इनर्शिया लॉ करके भी लिख सकते हैं. जैसा इनर्शिया था वैसा ये भी है. ठीक, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. चलिए मैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ. वैसे कल भी जो एग्जाम्पल बताया था इनर्शिया वाला वो भी वही था, लेकिन आज कुछ नए एग्जाम्पल देखते हैं. मान लीजिए कि एक बस है, ठीक है, इनिशियली रेस्ट कंडीशन में है. ठीक है, अब इस बस में एक आदमी खड़ा हुआ है, ए बी. ठीक है, ये आदमी का स्ट्रक्चर मैंने एरो के फॉर्म में बनाया है. ठीक है, ए बी एक आदमी है, ए उसका हेड है और जो बी है उसका लेग है. ठीक है, अब ये खड़ा हुआ है, बस जो है इनिशियली रेस्ट कंडीशन में है. अब मान लो बस अचानक से स्टार्ट होती है, ठीक है, और मूव करने लगती है. ठीक है, तो ये जो आदमी खड़ा हुआ आदमी है ना, उसको ऐसे लगता है जैसे वो पीछे गिर रहा है. ठीक है, और पीछे की तरफ गिरता हुआ अपीयर होता है उसको. ठीक है, ठीक, ये चीज शायद आप लोग ने भी ऑब्जर्व किया होगा. बस खड़ी रहती है और अचानक से वो जब चलने लगती है
तो आपको पीछे की तरफ एक धक्का लगता है, मतलब उसका जो पोजीशन है वो ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है, ऐसा मतलब ये आदमी ऐसा खड़ा हुआ है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, पीछे की तरफ ऐसा झुक जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, जबकि उस आदमी पे किसी दूसरे आदमी ने तो फोर्स नहीं लगाया, ठीक है, ना तो किसी ने धक्का दिया, फिर भी ऐसा पोजीशन हो जाता है जब बस स्टार्ट होती है। तो इसके पीछे का रीजन है क्या, इनर्सिया, जो अभी हमने कुछ देर पहले देखा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। देखिए हुआ क्या, इनिशियली ए और बी, मतलब ए बी एक ही आदमी है, ए उसका अपर पोर्शन और ये इसका लोअर पोर्शन है, तो ए पोर्शन और बी पोर्शन दोनों पहले रेस्ट में था, किसके साथ, बस में, बस के साथ। अब क्या हुआ, बस में फोर्स लगा, ठीक है, हमने बस को एक्सीलरेटर दिया, मतलब बस में फोर्स लगा, तो बस के साथ में बॉडी का कौन सा पोर्शन कॉन्टेक्ट में है, बी पोर्शन, लोअर पोर्शन, तो बी पोर्शन भी बस के साथ क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे, बस से। लेकिन बॉडी के अपर पोर्शन का क्या होगा, वो इनिशियली कैसा था, रेस्ट में था, तो इस पे फोर्स अगर नहीं लगा तो ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा कुछ कंडीशन है, ये भी रेस्ट, ये रेस्ट में है और ये मोशन में आ जाती है, तो ये अगर अपर पोर्शन रेस्ट में और बी वाला मोशन में आ गया बस के चलते तो कैसा हो जाए, ऐसा ये बी वाला पोर्शन आगे बढ़ जाएगा बस के साथ में और ए अपने जगह पे ही रहेगा क्योंकि इस पे कोई फोर्स नहीं लगा, तो ऐसा वाला कंडीशन हो जाएगा, ऐसा वाला, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं कि पीछे कोई धक्का दे रहा है, ठीक। चलिए इसको और एक एग्जांपल समझते, दूसरा, बस कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन से चल रही, मान लो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो बस है चल रही, फिर से वही कंडीशन लेते हैं, एक आदमी इसमें खड़ा हुआ है, बस में ट्रेवल कर रहा है, जो बस है इनिशियली मोशन कंडीशन में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो बॉडी भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही बस के साथ में, ठीक है। तो यहाँ से ए भी 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और बी भी 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। अब ड्राइवर क्या करता है, अचानक इसमें ब्रेक लगाता है, तो ब्रेक लगाना मतलब फोर्स लगाना, किसमें, बस में, तो बस में फोर्स लगा मतलब बस क्या हो जाएगा, रेस्ट कंडीशन में आएगा, तो बस रेस्ट कंडीशन में आएगा तो बस के साथ बॉडी का लोअर पोर्शन भी किस में आएगा, रेस्ट में। लेकिन अपर पोर्शन ए का क्या, वो तो इनिशियली कैसा था, मोशन में था, तो कोई भी बॉडी मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहती क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लगा, जब तक कि कोई फोर्स ना लगा जाए तब जैसा स्टेट है इनिशियल स्टेट वैसा ही रहेगा। तो देखो यहां से क्या होगा, ये ऐसा जा रहा है, अब अचानक से देखो लोअर पोर्शन पे लगा ब्रेक क्योंकि बस के कॉन्टेक्ट में, लेकिन अपर पोर्शन का क्या, मोशन में, ये देखो यहां से ऐसा हो जाएगा, नीचे लगा ब्रेक लेकिन ऊपर वाला मोशन के चलते मोशन में ही रहेगा, तो ये ऐसा। तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा जब अचानक से बस में ब्रेक लगती है तो आप सामने की तरफ ऐसा झुक जाते हैं, ठीक है, तो ये भी इसका भी रीजन क्या है, इनर्सिया, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि आप कोई ट्री है उसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो उस फ्रूट्स को नीचे गिराने के लिए आप क्या करते हो, ये जो ट्री है ना उसको हिलाते हैं, ठीक है। तो ट्री को ऐसा हिलाने से होता क्या है, इसमें के जो लगे हुए फ्रूट्स हैं वो नीचे गिरने लगते हैं, ठीक है, जबकि हमने फ्रूट्स में कोई भी फोर्स नहीं लगाया, तो ऐसा क्यों हुआ, इनिशियली फ्रूट्स और ट्री दोनों रेस्ट कंडीशन में थे, ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या किया, इस ट्री पे फोर्स लगाया, ठीक है, तो ट्री पे फोर्स लगाया तो ट्री कौन से कंडीशन में आ गया, मोशन में, क्योंकि फोर्स लगाया आपने। बट फ्रूट्स का क्या, तो फ्रूट्स इनिशियली कैसा था, रेस्ट में, तो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, लेकिन जो ट्री है वो मोशन में आ गया, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो गया, मतलब एक चीज क्या है, यहां से एक चीज को अपन पकड़ के रखे हैं, या फिर बोल सकते हैं फ्रूट्स वाला जो हिस्सा है वो रेस्ट में है और ये जो ट्री वाला है वो क्या है, मोशन में, तो दोनों के बीच में ऐसा क्या हो जाएगा, यहां से एक रेस्ट में और एक मोशन में, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा और रिलेटिव मोशन होने के चलते वो टूट के नीचे गिर जाएगा, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एथलेटिक्स में जो रनर लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, रनिंग लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, तो लॉन्ग जंप हाई जंप से पहले क्या करते हैं लोग, लंबी रनिंग लेते हैं, तो इससे क्या होता है, पहले अपने आप को लोग मोशन में लाते हैं, तो मोशन से मोशन में जाना आसान होता है, अगर मान लो बिना रन किए वो वहां से जंप करता है डायरेक्ट तो कम दूर तक जाएगा, क्यों, क्योंकि बॉडी इनिशियली कैसा है, रेस्ट में, तो रेस्ट से मोशन में आने के लिए ज्यादा फोर्स उसको लगाना पड़ेगा, ज्यादा दूर तक वो जंप नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर ये दौड़ते हुए आ रहा है तो दौड़ते हुए आने से उसका इनिशियल कंडीशन क्या हो जाएगा, मोशन, फिर मोशन से मोशन में ही रहने से क्या होगा, कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, या फिर बोल सकते हैं उतने ही एफर्ट में ज्यादा डिस्टेंस तक वो क्या कर सकता है, जंप कर सकते हैं, क्लियर।
आज के क्लास में बस इतना ही। अब आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग को मुझे मैसेज करके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की कम से कम 4 एग्जाम्पल बताने हैं, ठीक है, रिटर्न फॉर्म में। आप उस एग्जाम्पल को कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और कॉपी में नोट करने के बाद उसका पिक मुझे सेंड करिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू।